education system has been actually given a new direction. If you go into detail and try to study the new education policy, it's such a futuristic document which is going to place India not only at par, it's going to give us a leapfrog jump. And therefore, if some people are not comfortable with the kind of progress that the country is making under Prime Minister Modi, and they're trying to then mix up a religion or communalism or other kind of hate elements to malign this, to derail this agenda or the mission undertaken by Prime Minister Modi, they can't call themselves as the friends of India. स्वागत रहेगा मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि दसवां बजट था मोदी सरकार दस के दस बजट में ये स्वयं अवसर रहा बिगिनिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वोट जो इमीडिएटली वेरी कॉमन टू फॉरवर्ड टू अदर अगर आप पिछले दस के दस बजट को देखेंगे एक शंकाबद्ध तरीके से तो आपको जाएगा कि इसमें निरंतरता है consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage. So I think broadly speaking, these three C's are the constant determining factor in each of the successive budgets. And each successive budget has, under Prime Minister Modi, has led India forward towards assuming a global role. And this budget, तो जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि दशक का बजट है तो दुनिया कह रही है इट इज इंडिया 2021 से लेकर 2023 तक की डिटेल में और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का एंड विद दिस डेकेड एंडिंग 2030 विल प्लेस इंडिया इन द फ्रंट लाइन बाय 2047 इंडिया वुड हैव ऑलरेडी अज्यूम द फ्रंट लाइन रोल और उसी दृष्टि से इस अर्थव्यवस्था का निर्माण तो यदि हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है तो हमें भौगोलिक मापदंड भी उतरना होगा था मैंने कह दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें जो नई शिक्षा नीति मिली है अच्छा होगा कि हम उस पर ध्यान दें और उसको कैसे कार्यान्वयन करना उस पर ध्यान दें वो ज़्यादा सकारात्मक होगा बल्कि हम शिक्षा संस्थानों में किसी और तत्वों को लाने का प्रयास करें जो शिक्षा को डिरेल करने का काम करता है। सर 31 अक्टूबर 2019 के पहले की जो पोस्टें विड्रॉ की गई आपको लगता है कि JKSSB और PSC के जो काम करने का तरीका उस पर पोस्टिंग है नहीं ऐसा है मुझे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि इसका जहाँ तक हमारा संबंध है केंद्र का संबंध है DOPT का संबंध है क्योंकि जहाँ का GAD हमारा DOPT कहलाता है मैं उसको देखता हूँ हमारी तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं हमारी तरफ से एक ही आदेश गया था कि इंटरव्यूज की पद्धति को समाप्त कर दिया जाए सरकारी देश भर में मैं स्वास्थ्य केंद्र जान उसका कारण यह था कि बहुत सी शिकायतें आती थी कि रिटन टेस्ट में जो 100 अंक लेते थे उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था और जिससे भाई भतीजा बात करना होता था या उसको फेवर करना होता था तो उसको इंटरव्यू में सॉल्व तो हमने बल्कि जो स्किल टेस्ट है वो मैं चाहूँगा ध्यान की जागरूकता पैदा करें जो लोग अनावश्यक अपना समय गंवाते हैं स्किल टेस्ट को भी हमने क्वालिफाई बना अर्थात किसी ड्राइवर की मिलती है तो उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ड्राइविंग जानता है कि नहीं वरना क्या होता था कि ड्राइविंग टेस्ट में ही 100 अंक लेकर के रिटर्न को मिले इसी प्रकार अगर कोई फौज में ये पैरामिलिट्री भर्ती होता है CRP में BSF तो उसका मेडिकल टेस्ट होगा क्वालिफाइड टेस्ट देखने के लिए कि अगर उंगली कटी है तो रिटर्न भी पास होगा तो कैसे करें लेकिन मेरिट जो होगा वो मात्र और मात्र रिटर्न टेस्ट होगा DOPT की तरफ से केवल कितना निर्देश जारी किया गया इसके अतिरिक्त कुछ है तो मुझे लगता है कि यूपी सरकार से पूछना चाहिए जो बजट की चर्चा थी उसके साथ सीधा सीधा इसका संबंध नहीं है जम्मू कश्मीर का अलग से बजट आने वाला है लेकिन जो आपने विषय लिया है टूरिज्म का उसको लेकर के एक तो कुछ फिल्म डेस्टिनेशंस की भी शराब हुई है आपका कहना ठीक है कि जो हुए हैं उसके अतिरिक्त भी हमारी इससे चर्चा हुई थी यूपी सरकार से उनका कहना है कि वो अभी सूची बढ़ा रहे हैं उसमें और भी आगे जहाँ तक हमारे चुनावी क्षेत्र का संबंध है आप शायद ये बात आपको ये रुचिकारक हो और अगर आप आगे बताना चाहें मानतलाई का हमारा एक केंद्र है 35 साल से पड़ा हुआ उजड़ा इंदिरा जी के समय में उसकी स्थापना की गई थी लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको खंडर को बना दिया ये हम ही ने उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट किया है बल्कि वहाँ एक हेलीपैड होगा स्टेट ऑफ द आर्ट एक हेल्थ वेलनेस सेंटर है लगभग तैयार हो चुका अभी देखने लायक है इसी प्रकार मानसर के लिए भी 200 करोड़ रुपया केंद्र की राशि से मंजूर किया गया है वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर होगा स्पोर्ट्स सेंटर होगा बोटिंग होगी बोटिंग तो शुरू हो चुकी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगी और साथ ही साथ चूंकि उसका एक श्रद्धा के साथ भी संबंध है तो वहाँ पर कुछ उस तरह के डेस्टिनेशन भी डेवलप किए अगर आप
मैं क्या कहूँ, आप अपना नहीं हैव टू गिव अप दिस हैबिट कि उसने क्या कहा तो मैं उसके बदले क्या कहूँ, जो मैं कह रहा हूँ आप उसका प्रोटेक्शन दीजिए। आई एम नॉट हेयर टू रिएक्ट टू व्हाट समबडी हैज सेड, बट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड इन भारतीय जनता पार्टी वी ट्रस्ट द लेजिटिमेसी द इंटेग्रिटी ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज इलेक्टेड विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दे फॉलो सर्टन नॉर्म्स सर्टन पैरामीटर्स विच आर वेरी वेल लेड डाउन सो दे कांट बी एनी डेविएशन। So I think anybody who questions the working or delimitation or the criteria followed by them either has not studied enough the parameters which guide the working of delimitation or they have some other motives. एक संविधानिक संस्था अपना कार्य करती है तो प्रत्येक जिम्मेवार कार्यकर्ता अथवा नेता का ये दायित्व है कि उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप न करें। There are two things. What is important for us to realize is the line right from 1947, right from the midnight of partition, Pakistan could not reconcile to the fact that Jammu Kashmir is a part of India, and therefore they have been trying all the tricks in the book. They tried three wars, then they tried infiltration, then they tried that thousand wound theory of causing insurgency, and now they are also using the modern toolkits and the new technology available. But I think India is much, much more responsive and dynamic, both as a nation, as a state, not to be intimidated by all these new experimentation being done by a hostile nation. So I think there is nothing to feel perturbed about it. We are well equipped, and as far as I, it's not what I say or what my party says. It's a recognized position by the Parliament of India, a unanimously passed resolution. In 1994, when we were not in power, which states which accept that if at all there is any issue pending between India and Pakistan, that is of retrieving that part of Jammu and Kashmir, which continues to be under illegal occupation of Pakistan even after 75 years. And second question.